हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने बहुत सारे जो न्यूज़ वगैरह या यूट्यूब जो चैनल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने सुना होगा कि आपको अब रायपुर नहीं जाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये तो बात रही एक बात, ओके। और मैंने जो आपको बताया था, ठीक है, वो बताया था IGKV के जो रूल बुक आया था या फिर उसको काउंसलिंग शेड्यूल बोल सकते हो, नया जो शेड्यूल जारी हुआ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था कि आपको रायपुर जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आज 12 तारीख को एक जो न्यूज़पेपर है उसमें ये कटिंग आया है, और वो कटिंग जो है वो कुछ इस प्रकार है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि 2676 सीटों के लिए 23,000 से ज़्यादा दावेदार, ओके, यहाँ तक ठीक है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे लिखा गया है, अच्छे से समझना जो भी मैं बातें बता रहा हूँ, क्योंकि आप ही के लिए है, मेरे लिए तो कुछ है नहीं। अब मेरे को थोड़े बहुत पैसे कमाने का कोई शौक है ही नहीं, ओके। आप ही के भलाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अच्छे से समझिए, आप ही का भविष्य बनेगा, मेरा तो कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने लिखा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व इससे संबंधित जितने भी कॉलेज वगैरह हैं उसमें ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो गई है, यानी कि 10 सितंबर तक आपका आवेदन जो है वो होने वाला था, जो कि हो गया। अब स्नातक के पाठ्यक्रम की 2676 सीट के लिए 23,669 ने छात्रों ने आवेदन किया है, यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ पे एक बात मेंशन इन्होंने किया कि 13 सितंबर को मेरिट सूची जारी करने के साथ ही काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू होगी, ओके। यहाँ समझ गए आप, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है 13 सितंबर को मेरिट सूची जारी करने के साथ ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब मेरे को ये बताओ, आप सभी आप ही को सोच सकते हो कि या तो न्यूज़पेपर वाला गलत बोल रहा है या तो तुम IGKV को बोल सकते हो, IGKV वाला गलत बोल रहा है या न्यूज़ वाला गलत बोल रहा है। क्योंकि IGKV का जो नोटिस आया है उसमें साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कि 13 तारीख को जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने वाला था वो अब आपका नहीं आने वाला है, ऐसे करके उसको विलोपित कर दिया था उन्होंने। जैसा कि आपने देखा होगा जो अब नया नोटिस जो जारी हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि भाई जो 13, 16 और 17 जो पॉइंट है उसको तो उन्होंने विलोपित कर दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। फिर भी हम चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि ये तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है ना, कि प्रक्रिया शुरू होगी ऐसे करके। आगे इन्होंने बोला है कि कृषि पाठ्यक्रमों में लगातार छात्रों की रुचि देखी जा रही है, इसके कारण ही इस साल से एक नया पाठ्यक्रम फूड टेक्नोलॉजी यानी कि खाद्य प्रौद्योगिकी शुरू किया गया। ये तो ठीक है, ये तो हम लोगों के लिए है ही नहीं। हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे DVC के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया है एक बार और अच्छे से देख लो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है अपने लेख में कि दस्तावेज परीक्षण के लिए आने की ज़रूरत नहीं। अब किनको आने की ज़रूरत है यह तो कन्फर्म नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दस्तावेज परीक्षण के लिए छात्रों को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पूर्व में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था जिसे कोरोना महामारी के कारण बदल दिया गया, यहाँ तक ठीक है। दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए छात्रों को यूनिवर्सिटी आना नहीं पड़ेगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी आना नहीं पड़ेगा, ओके। आप एक बार जो अभी जो नया नोटिस जारी हो ना उसमें भी एक बार अच्छे से देखना वहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ओके। उसके साथ ही आप अपना जो भी डिसीजन है उसको लेना कि मैं गलत बोल रहा हूँ या न्यूज़पेपर वाला गलत बोल रहा है या फिर IGKV के जो नोटिस है उसमें सही आ रहा है। एक बार सोचना अपने दिमाग से, इतने बड़े हो गए हो तो कुछ ना कुछ सोच आपके में होगी, तो थोड़ा सोचना आप, ओके। आगे इन्होंने बोला है कि छात्र पास के किसी भी कृषि कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करा सकते हैं, वहाँ से उसके वेरिफिकेशन की जानकारी विश्वविद्यालय को मिल जाएगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है जी। तो मेको बोल रहा हूँ मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि जब आपका 16 और जो 17 है
उसको तो इन्होंने डायरेक्ट विलोपित ही कर दिया आईजीकेवी ने। तो आप ही एक बार सोच सकते हो कि जब ऐसा है तो फिर ऐसा काहे कर रहा है आईजीकेवी, मतलब न्यूज़पेपर की अकॉर्डिंग माने तो ऐसा काहे कर रहा है, बताओ, खुद ही सोचो एक बार। तो या तो यह न्यूज़पेपर गलत है, ठीक है ना, जो भी छापा है इसको, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, जो भी छापा है इसको, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर है उसको बोल सकता हूँ कि भाई तुमने गलत छापा है करके, ओके, उसको अच्छे से नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में कि तुम ऐसा छाप सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको सही मानते हो किसको नहीं। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो भी हैं, और मैं यूट्यूब में भी बोलता हूँ, क्योंकि आप ही की भलाई के लिए बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे भलाई होगी इसमें, सिर्फ आप ही की भलाई के लिए बोलता हूँ कि ऐसा है ऐसा है। मतलब जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है उसको मैं आपको बताता हूँ कि इसका ऐसा है जी, इसको ऐसा करना है ऐसे करके। बाकी यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ उसको कि जब जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको बोल सकता हूँ कि जब नोटिस में ऐसा ऐसा लिखा है तो तुम नोटिस के अलग से नहीं बोल सकते, नोटिस से हटके तुम काहे बोल रहे हो भाई, नोटिस के अकॉर्डिंग बोलो ना तब तो ठीक है, लेकिन तुम नोटिस के हटके बोल रहे हो। देखो यहाँ पे बोला है कि 13 तारीख को आपको मेरिट लिस्ट जारी होगा करके, 13 तारीख को कौन सा मेरिट लिस्ट जारी होगा बता दो मेरे को, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा ही नहीं आएगा। अब देखते हैं कल आ जाता है तो, अगर कल नहीं आता है तब तो ये जो न्यूज़ आई है आज का ये तो झूठा साबित हो ही जाएगा ना। तो ये तो यहाँ का न्यूज़पेपर जो नवभारत है ये तो बदनाम होगा हमारे से, मेरे से तो बदनाम होगा, बाकी आपके ऊपर है वो, ठीक है ना, आप बदनाम करते हो इसको या नहीं करते हो, ओके। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 13 सितंबर को मेरिट सूची जारी होगा ऐसे करके। अब मैं बोल सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कि आईजीकेवी में भी कोरोना आया था, कोरोना मतलब पॉजिटिव मिला था किसी को, इसके वजह से जो 13 का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आने वाला था वो पोस्टपोन हुआ था, ओके। तो इसलिए जो 13 को जो आने वाला था उसको उन्होंने जारी नहीं किया। अब आगे आप यहाँ पे न्यूज़पेपर की अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई 13 को आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा, तो ठीक है भाई कल का इंतज़ार कर लेते हैं हम, कल तक देखते हैं, अगर आ जाता है तो ठीक है, और नहीं आते तो फिर मेरे को मत बोलना आप सब जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी ट्रस्ट वगैरह करते हैं वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो वो सब देख लेना भाई कल क्या होता है क्या नहीं होता। अगर नहीं आता तो आप खुद ही जान जाओगे कि कौन सही बोल रहा था कौन गलत बोल रहा था, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को बोल सकते हो भाई कमेंट बॉक्स में। कभी अपना कमेंट बॉक्स जो है वो बंद नहीं करता, यहाँ तक कि जो लाइक डिसलाइक वाला जो फीचर होता है उसको भी बंद नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, और मैं उनको कभी भी गलत सूचना नहीं दूंगा, और अगर गलत सूचना दे भी देता हूँ तो मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा और उसका सलूशन भी उनको दूंगा ऐसे करके। तो यही होता है यार, और बाकी अभी कुछ नहीं है इधर उधर का जाता ना सोचो आप सब, मतलब बहुत सारे मैसेज आए मेरे को व्हाट्सएप पे कि ऐसा है, कोई यूट्यूबर मेरे को ऐसा बोल रहा है, कोई यूट्यूबर मेरे को ऐसा बोल रहा है, तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि भाई तुम किसी की ना मानो, मेरी भी बात जो है वो मत मानो, तुम डायरेक्ट आईजीकेवी के जो साइट है उसमें जाओ, वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके अकॉर्डिंग अपना काम करो। और अगर पता नहीं है भी कि आईजीकेवी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में कैसे जाना है तो ये तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी। आप डायरेक्ट आईजीकेवी.cg.nic.in लिखो, आपको तुरंत मिल जाएगा आईजीकेवी का वेबसाइट, वहाँ पे आप अपना जो भी करना है मतलब आगे का जो भी प्रोसेस है वो आराम से कर सकते हो, तो इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं होती। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज कम होता है, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ओके, आईजीकेवी यूनिवर्सिटी का, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट अपना जो भी इंफॉर्मेशन आता है या जो भी PDF के थ्रू नोटिस वगैरह आता है तो वो सब आप डायरेक्ट देख सकते हो, ओके। तो मैं यही बस क्लियर करना चाह रहा था कि देख सकते हो आप ये जो आज का जो नोटिस आया है, नोटिस तो नहीं बोल सकते इसको क्योंकि भाई यहाँ पे न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर को तो सही हम कभी नहीं मानते क्योंकि न्यूज़पेपर वाले कुछ भी छाप देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ब्रांड जो है वो यहाँ पे मतलब एक ब्रांड का नुकसान होगा,
अब नवभारत ने छापा है, मतलब अगर ये बात गलत हो जाती है तो नवभारत पर थोड़ा सा दाग लगेगा, ठीक है ना। हमारे व्यू से, बाकी दुनिया के व्यू से तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे व्यू से थोड़ा इन पर डिपेंड पड़ेगा कि भाई नवभारत का जो न्यूज़पेपर होता है वो थोड़ा गलत ही होता है, ऐसे करके थोड़ा सा बस गलत है इसमें, इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें जो है वो गलत डाली हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू नोटिस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू नोटिस बोल रहा हूँ मैं। अब नोटिस में जैसा आया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने नहीं डाला है। बस मैं ज़्यादा इसमें छेड़खानी नहीं करने वाला, बस मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप सभी के, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मतलब एकदम से मतलब क्लोज वाले जो सब्सक्राइबर हैं और जो नॉर्मली जो सब्सक्राइबर हैं, वो सब मेरे को कमेंट करके पूछ रहे थे कि नहीं सर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसे करके, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको क्लिक करके, ये जो आप कटिंग देख रहे हो इसको क्लिक करके उन्होंने मुझे पर्सनली भेजा था, ओके, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। और मेरे को लगा, इम्पोर्टेंट लगा कि नहीं यार इस पर वीडियो बना के आप सभी को बताना चाहिए और अच्छे से इसको समझाना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे करके। तो अगर आपको ये कटिंग नहीं मिला होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अपना जो कटिंग है, ये जो कटिंग है इसको ले भी सकते हो। और मेरा व्हाट्सअप नंबर जनरली सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 9009300882882, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके मुझसे जो भी जानकारी लेना चाहते हो वो ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू आपका जो भी रहेगा CGPAT एग्ज़ाम या IGK यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। मैं आपको जितना हो सके मेरे तरफ से मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और बाकी मैं बताते ही रहता हूँ अपने YouTube चैनल में, आप ही सबके वजह से इतना जो हमारा YouTube चैनल वो आगे बढ़ा है यार, तो मैं कहाँ है आप सभी को गलत बता सकता हूँ, आप खुद ही सोचो। लेकिन कुछ हैं ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट जो कुछ भी मतलब बोल दे रहे हैं, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब तक मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे पर ट्रस्ट करते हैं और मैं उनको सही जानकारी देता हूँ, तो मेरे को ये सब चीज़ से मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। तो बस यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं कि देख लो कि अगर कल तक अगर ऐसा होता है अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर तब तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो फिर जो नव भारत का जो ब्रांड है उस पर हमारा जो व्यू है वो घट जाएगा। तो अगर आपको इतना जो मैं अभी इंफॉर्मेशन आपको दिया थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपना जो भी राय है उसको ज़रूर से आप बतलाइए। और चैनल पर नए हैं, आगे भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं CGPAT से रिलेटेड, काउंसलिंग से हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान दोस्तों।